इस वीडियो में आज हम कक्षा 9th में भौतिकी का पाठ है अध्याय 8, उसका विषय है गति। हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में जितने भी शब्द आते हैं, परिभाषाएं आती हैं, वो सब हमारे दैनिक जीवन में परिलक्षित होती हैं कि गति गति क्या है। आप देखते हो ना कि स्कूटर सड़क में चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, गति। यहाँ गति से संबंधित आप एक शब्द पढ़ेंगे, विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब जिसकी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है उसे क्या बोलेंगे, विराम अवस्था। जैसे खड़ी हुई मोटर गाड़ी, और गति समझ गए, जिसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो गति कई प्रकार की होती है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख गतियों के बारे में पढ़ेंगे, रेखीय गति, वृत्तीय गति। रेखीय गति मतलब सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति मतलब व्रत, गोल वृत्तीय मार्ग पर गति। जैसे आप कभी मेले में झूला झूलते हैं ना, तो वृत्तीय गति। दोलन गति, आपके घरों में जो झूला होता है कि एक मूल बिंदु के दोनों ओर गति करता है। और घूर्णन गति, आपने देखा ना कि एक खिलौना आता है भौरा, वो घूमता है, वो घूर्णन गति है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। तो जब एक सरल रेखा में गमन होता है किसी भी वस्तु का, तो वो गति कहलाती है, सरल रेखीय गति। अब हमें गतियों को समझाने के लिए हमें एक प्रमुख एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, उसको आधार मानकर हम तुलना करते हैं। तो स्थिति बतलाना है किसी वस्तु की, तो एक मूल बिंदु की आवश्यकता होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देश बिंदु। जैसे यहाँ पर ओ एक निर्देश बिंदु है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक वस्तु है, मान लो ये ओ बिंदु पर है और उसने चलना आरंभ किया। ये देखिए स्केल बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। यहाँ पर ये 5-10 इनको किलोमीटर के रूप में नापा गया है। तो इस प्रकार ये बिंदु क्या कहलाएगा, ओ बिंदु, जिसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। भौतिक राशियाँ, भौतिकी में बहुत सारी राशियाँ हैं जिनको हम माप सकते हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, तो आप जैसे आपने लौकी ली, तो आप नापते हैं ना कि एक किलो, 2 किलो, ये राशियाँ हैं जिनको हम नाप सकते हैं। आप अपनी ऊंचाई नाप सकते हो, आप अपना वजन नाप सकते हो, ये सब क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। नाम से ही समझ में आ रहा, अदिश जिसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, जिसमें केवल हम परिमाण को ध्यान रखेंगे और दिशा को नहीं, वो राशियां हैं अदिश राशियां। और वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी शामिल हो, तो वे राशियां होंगी सदिश राशि। जैसे आपने 5 मीटर चला, तो आप हम ये बतला रहे हैं कि कितना परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, 5 मीटर, ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी कौन सी दिशा में गया। दिशा समझते हो ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये केवल हम परिमाण को शो कर रहे हैं, परिमाण को दिखला रहे हैं। तो ये राशियाँ क्या होंगी, अदिश राशियाँ, दूरी चाल। और सदिश राशियाँ जिसमें हम दिशा भी शामिल करें, कि मान लो एक लड़का है मोहन, उसने उत्तर से दक्षिण की ओर 50 किलोमीटर चला, तो यहाँ 50 किलोमीटर भी बतला रहे हैं और साथ में दिशा भी बतला रहे हैं। तो ये राशि क्या होगी, सदिश राशियाँ। इसका उदाहरण है वेग, त्वरण आदि। दूरी, दूरी किसी का भी वस्तु का स्थान परिवर्तन है, तो वो जो लंबाई हम नापते हैं वो दूरी कहलाती है। तो दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर। अब एसआई क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय देशों में सभी जगह एक मापने के एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, मापने की एक पद्धतियाँ हैं जो सभी जगह प्रचलित होंगी, तो उसको हम कहेंगे एसआई मात्रक। तो जैसे यहाँ एसआई मात्रक दूरी का मीटर है, तो आप कहीं पर भी चले जाएंगे, दूरी का एसआई मात्रक मीटर ही होगा।
इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। इसको हम SI मात्रक तो मीटर है, हम इसको सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं और किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। आपका स्केल है जो आप कंपास बॉक्स में रखते हो, उसमें निशान लगे हुए हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। आप उस कभी कॉपी में लाइन खींचते हैं ना, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो इस प्रकार दूरी के ये मात्रक हैं। ये सब मूल राशियां हैं। मूल मतलब मुख्य राशि, तीन होती हैं मूल राशियां, दूरी, द्रव्यमान और समय। अगले राशि है विस्थापन। विस्थापन मतलब अपने स्थान से हटना। अपने स्थान पर हम थे और हमारा स्थान परिवर्तन हुआ, तो जो प्रारंभिक स्थान था और जो अंतिम स्थान था उसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। ये चित्र में देखिए आप, यहाँ मान लो ओ एक पर एक वस्तु है, इसने चलना आरंभ किया और कुछ समय पश्चात वो सी स्थान पर आ गया, तो उसकी पहली स्थिति क्या थी, यहाँ 0 पर थी और अंतिम स्थिति क्या थी, 25 पे, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, 25 किलोमीटर इस स्केल के अनुसार 25 किलोमीटर। यदि आप पहले इस शून्य वाले स्थान पर थे और कुछ समय बाद आप इतना चलकर वापस शून्य वाले स्थान पर आ गए, उसी स्थान पर आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि आप अपने स्थान पर थे और वहीं पर आ गए, आपने अपना स्थान नहीं बदला। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर हम दिशा को ध्यान में रखते हैं। विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश। अब हम गति में पढ़ेंगे, एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है, एक समान गति। यहाँ देखिए, मान लो किसी ने 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला, मतलब हर 5 मिनट में वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, 25 मिनट में उसने कितना चला, 25 किलोमीटर। तो समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान गति। असमान गति, समान समय के अंतराल में असमान दूरी तय करे, जैसा कि मान लो शुरू के 5 मिनट में उसने चला 5 किलोमीटर और अगले 5 मिनट में उसने चला 15 किलोमीटर, तो ये गति क्या हो गई, दूरी उसने असमान तय की, तो इसकी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति। ये सब हम जब गाड़ी चलाते हैं तो आप भीड़ आप चल रहे हो, आपको खाली सड़क मिल रही है तो आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे, और यदि आपको रास्ते में भीड़ आ गई और आप, तो आप देखेंगे उतने ही समय में आप दूरी क्या कर रहे हैं, कम तय कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी असमान गति। अगली जो राशि है वो है चाल। चाल से हम किसी भी गति की दर को नाप सकते हैं चाल और वेग के द्वारा। तो यहाँ पर चाल है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब यहाँ समय का हमें भाग देना पड़ेगा, जितनी भी दूरी तय करते हैं, मान लो एक व्यक्ति ने 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय की, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर, और समय कितना हो गया, 1 सेकंड। तो इस प्रकार इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमें चाल ज्ञात हो जाएगी। जो चाल है उसको इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और चली गई दूरी को किस में नाप रहे हैं, मीटर में, और समय को किस में नाप रहे हैं, सेकंड में। ये मात्रक हैं, ये क्या हैं, राशियों को नापने के मात्रक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चाल है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे आ गया, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। आपने सूत्र क्या लिखा है, तय की गई दूरी, दूरी को किस में नापा, मीटर में, तो यहाँ मीटर आ गया, और बटे समय, समय को आपने किस में नापा, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहाँ मीटर प्रति सेकंड ये चाल का क्या है, मात्रक।
इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में एम बटे एस, मीटर प्रति सेकंड। एम किसके लिए आया? मीटर के लिए, स्मॉल एम। सेकंड के लिए क्या आया? एस। अब इसको और दूसरा तरीका है लिखने का, हम ये जो बटा है ऑब्लिक इसको हटा दें तो मीटर सेकंड और माइनस एक, इसका मतलब है मीटर। और जब हम नीचे की संख्या को बट्टे में जो संख्या ना इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह आ जाएगा, तो एम एस और ये माइनस वन आ जाएगा। तो ये मात्रक हैं चाल के। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। जो लंबी दूरी नापते हैं वो हम किलोमीटर में नापते हैं और घंटे में नापते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल होगी वो होगी वी बराबर एस बटे टी। जो एस है यहाँ पर वो दूरी है, एस क्या है? दूरी। दूरी को हमने किस में नापा? ये तय की गई दूरी को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एस से। और नाप किस से रहे हैं? मीटर से। इसके बाद एक गणित है, इस गणित के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं कि एक वस्तु ने 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। दूरी कितनी है? 16 मीटर। और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ये गणित आते हैं यहाँ पर, सबसे सरल गणित है ये। तो उसने कुल दूरी तय कितनी की? 16 मीटर। और ये 16 मीटर कितना हो गया? 32। शुरू के 16 मीटर तय करने में उसे कितना समय लगा? 4। बाद के 16 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो इन आंकड़ों को हम सूत्र में रख सकते हैं। सूत्र आपको मालूम है, ये तय की गई दूरी बटे समय। देखिए औसत चाल, तय की गई कुल दूरी तो ये कितनी हो गई? 32। 16 और 16 ये 32। समय को भी आप जोड़ दीजिए, 4 सेकंड और 2 सेकंड 6, 32 में 6 का आप भाग देंगे तो इतना आंसर आएगा। तो वस्तु की औसत चाल हुई 5.33 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे गणित आते हैं। गणित को हल करने के लिए आपको इनके सूत्र याद होना चाहिए। अगली हमारी जो राशि है वो वेग। चाल और वेग का सूत्र एक ही है, वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? वेग। वेग की एक परिभाषा और है, विस्थापन की दर को भी क्या बोलते हैं? वेग। और इसका सूत्र है वेग बराबर चली गई दूरी बटे समय। जो सूत्र चाल का है वही वेग का है। तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड है और इसको भी हम जैसा चाल में लिखते थे बिल्कुल वही लिखेंगे, उसी ढंग से लिखेंगे। वेग एक सदिश राशि है और वेग और चाल के मात्रक समान है। और औसत वेग हमें ज्ञात करना है तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जोड़कर उसमें हम दो का भाग, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो दो का भाग देंगे। तो U धन V बटे दो, V ए आर, मतलब ये औसत वेग हो गया। अब इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं चाल और वेग में अंतर बताइए। धन्यवाद। इसका आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।